हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो निमसेट 2020 टारगेट स्टूडेंट के लिए है। अभी अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे, जो डाउट पूछते हैं आप लोग मुझसे या जो ऑफिस में फ़ोन आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सेशन मैं ले रहा हूं। क्योंकि इस समय अब निमसेट की काउंसलिंग कम्प्लीट हो चुकी है। जब भी बच्चे जिनको जो जो रैंक पे कॉलेज मिल सकता था उन्होंने कॉलेज ले लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, SBTU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, BITS, BIT, यानी अब लगभग सब रिजल्ट आ चुके हैं, सभी में एडमिशन हो चुके हैं। अब ये जरूर है कि जैसे निमसेट के स्पॉट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, पर वो बहुत कम सीट्स हैं। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है कि सर अब क्या करना चाहिए, ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग, कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमको लास्ट ईयर देर से पता चला, जनवरी फरवरी में हमें पता चला कि हम ग्रेजुएशन के बाद BCA या BSc के बाद निमसेट जैसा एग्जाम भी होता है जो दे सकते थे, पर उतना टाइम नहीं बचा था, प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो क्या आप ड्रॉप लेना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक 1000, 1500, 2000 से ऊपर निकल गई है, उनके लिए अब मुझे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब 9 मंथ ही बचे हैं, 10 मंथ बचे हैं, क्या 10 मंथ सफिशिएंट है? अगर सफिशिएंट है तो प्रिपरेशन किस ढंग से करना चाहिए, ये सारे आपके डाउट्स हैं। तो ये सेशन का पर्पज ही यही कि हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर करिए, वो क्वेश्चन आपको खुद जवाब दे देगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर सपोज आप ड्रॉप नहीं लेते तो क्या, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। मान लीजिए कि आप ड्रॉप नहीं लेते थोड़ी देर के लिए, तो अब क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में इस साल हैं और जिनको अभी अभी पता चला है कि निमसेट एग्जाम होता है या JNU या BHU, इसके थ्रू हम MCA करके एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। उन सबको ये बोलूंगा कि अभी हमारे पास लगभग अगर हम देखें तो 10 मंथ का टाइम है। 10 मंथ का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आप देखें तो इस बार ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनके सेशंस भी अभी मैंने रोके हुए थे, फिर डालना चालू करूंगा। ऐसे भी बच्चे थे इम्पिटस में जो कि ऑनलाइन कोर्स से या क्लासरूम कोर्स से जनवरी में जुड़े थे और इतना डिफिकल्ट पेपर के बाद भी उन्होंने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि टाइम कम है, टाइम सफिशियंट है, बस उस टाइम को सही यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं आपके साथ बहुत सारे सेशन शेयर कर रहा हूँ, उसमें वो बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं वो भी यहाँ आते हैं एक हफ्ते, तो उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे सेलेक्ट हुए उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जिसने ये चाह लिया कि मुझे ये करना है वो बच्चा कर लेता है। जो ये सोचता रहता है कि मैं करूँगा, जब तक वो एक्शन नहीं लेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो बच्चे इस साल ड्रॉप लेने वाले हैं, जिनकी अच्छी रैंकिंग नहीं आई है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उस पर ये सेशन है कि हम क्या करें। तो मैं एक बात बोलूँगा कि आपको पहले ये असेस करना पड़ेगा कि अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हैं तो क्या करें, क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर ड्रॉप नहीं लेके आप किसी ऐसे कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट का परसेंटेज कम है, तो ये और ज़्यादा रिस्की है आपके लिए, क्योंकि 3 साल बाद आप दोबारा MCA नहीं कर सकते। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप कहीं पर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो कुछ एक आपको वो मेजरमेंट होने चाहिए आपके लाइक कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी स्टाफ कैसा है, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है, कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है। अगर इन सबसे आप सेटिस्फाई हैं देन टेक एडमिशन, अदरवाइज आप ड्रॉप ले लें, ड्रॉप लेने में कोई लॉस नहीं है। अब बात आती है कि 9 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी एक नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं 5th अगस्त से, और जो लोग अभी अभी ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं या जुड़ते जा रहे हैं या जो लोग क्लासरूम कोर्स में आना चाहें वो 5th अगस्त के पहले आ जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ बच्चों ने बोला भी था कि सर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट ले रहे हैं पर अभी हमारे बेसिक टॉपिक नहीं हुए, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप 5th अगस्त के बैच को फॉलो करने लगें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी 5th अगस्त का जो बैच होगा वो अपने आप में एक ऐसा बैच होगा जिसके थ्रू आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात यह कि ऑनलाइन वाले सभी बच्चे आज क्लासरूम कोर्स वाले बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। और आने वाले समय में जो जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जैसे जैसे क्लासरूम कोर्स में अभी होता है, अभी कोशिश ये भी करूँगा कि जो टेस्ट पेपर एनालिसिस होते हैं उसके भी आपके साथ लाइव सेशन शेयर किए जाएं, जिससे पेपर का एनालिसिस आप जैसे ही संडे को पेपर देते हैं तो मंडे को मिलने लगे। यानी मैं अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन वाले बच्चे भी उतने ही अच्छा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन के रिजल्ट को देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप चाहे ऑनलाइन रहें और क्लासरूम रहें, पर आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी एक पॉजिटिव माइंड, एक पॉजिटिव अप्रोच से सब कुछ पॉसिबल है। तो हम लोग जो 5th अगस्त को बैच स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप या तो क्लासरूम कोर्स के लिए आ जाएं, अगर नहीं आ सकते
अगर सपोज नहीं आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाएं और फिर 5 अगस्त के बैच को आप फॉलो करना चालू करें। 5 अगस्त के बैच में फिर से एबीसीडी से स्टार्ट होगा। एबीसीडी से मतलब फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलीनोमियल, फिर प्रोग्रेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जो पुराना जो बैच अभी चल रहा है उसको जो जो पढ़ाया गया है वो फिर से इस बैच को पढ़ाया जाएगा। तो जो अभी अभी ऑनलाइन वाले जुड़े हैं, क्योंकि अभी अभी जुड़ने वाले ऑनलाइन वाले रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं, तो उन सभी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप कई सारे, क्योंकि आपको पेपर मिलते हैं ऐसे में कई बार घबरा जाते हैं कि अरे अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं हो, इतने सारे पेपर कैसे देंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप 5 अगस्त वाले बैच में स्विच कर लेंगे तो उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना चलना चालू करें। एक बात, दूसरी बात, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप एक एक करके ही टॉपिक करें, भले ही टेस्ट पेपर ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे पहले एक बेस बुक जरूर कवर करें, बेस बुक चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा होगी तो ज़्यादा अच्छा है, वो पूरी अच्छे से कवर करें। एक एक क्वेश्चन उसका करने की कोशिश करें, उसी के बाद ऑब्जेक्टिव गाइड लें। अगर बुक कवर नहीं हो रही तो ऑब्जेक्टिव गाइड ना करें, क्योंकि जो हम आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं, वही अपने आप में सफिशियंट है। अगर आप वो सॉल्व कर लेंगे तो उससे भी बहुत हेल्प होगी। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं, 9 मंथ का टाइम सफिशियंट टाइम होता है। जब एक बच्चा जनवरी में ज्वाइन करके 5 मंथ में रिजल्ट दे सकता है, तो आज की डेट में हम 5 से डबल, यानी हमारे पास पूरे 10 मंथ के आसपास 9 मंथ। देखिए, आप अगस्त से लेके मई तक एंड तक का टाइम होता है, अपने आप में काफ़ी टाइम है, लगभग 10 मंथ का टाइम है, और 10 मंथ का टाइम सफिशिएंट होता है। इसमें आपको बस करना ये चाहिए कि पहले 11th 12th का पूरा मैथ्स अच्छे से कवर करना चाहिए। मैथ्स जब हो जाए देन एलआर करना है, फिर देन कंप्यूटर फंडामेंटल करना है। और किसी भी कंडीशन में एक चीज़ याद रखनी है कि रिविजन जरूर करते चले, और कुछ बेस टॉपिक पहले करें, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, प्रोग्रेशन हुआ, मतलब एपी जीपी एचपी, लाइक डिटर्मिनेंट, मैट्राइसिस, एक्सपो, लॉग, ये सब पहले इस 5 अगस्त के बैच में इसी टॉपिक से किया जाएगा। पहले ये बेसिक टॉपिक्स करें, देन फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस, कैलकुलस के बाद फिर स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स के बाद वैक्टर, वैक्टर के बाद बेसिक ऑफ 3D। इस ऑर्डर में पढ़ाई करना चालू करें। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके पास फुल टाइम है, जैसे बच्चे हैं सुबह 8 से रात को 8 तक पढ़ाई करते हैं वैसे ही पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं तो 2 आवर्स सुबह मॉर्निंग टाइम में आप वीडियो सेशन देखिए, फिर 6 आवर की प्रिपरेशन करिए, 2 आवर इवनिंग टाइम में देखिए, और जब आप सेशन देख लें। और याद रखिए, कुछ जो पेपर आते हैं स्टार्टिंग के वो काफ़ी सिंपल होते हैं, वो केवल आपको वीडियो, उनके सॉल्यूशंस आप अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो वो आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो पेपर्स बाद में मिलेंगे उनका लेवल ज़्यादा होगा, उनकी कोशिश करेंगे कि हम उसका सॉल्यूशन के साथ अब आने वाले समय में लाइव भी जुड़ें, और नहीं लाइव जुड़ते तो भी आपको मैं अभी वैसे भी सारे पेपर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करें, इमीडिएटली एक्शन लें, जो भी करना है। टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और 5 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 अगस्त तक रुकना है, बल्कि 5 अगस्त तक ट्राई करें कि जो मैंने स्टार्टिंग के टॉपिक्स लिखे हैं ये पढ़ें। क्योंकि देखिए, 5 अगस्त को जो बैच होगा और जो पुराने बैच है उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जो चीज़ यहाँ पर 10 क्लास में हुई है, ऑब्वियसली वो हमको यहाँ पर 8 क्लास में या 7 क्लास में करना होगा। क्यों? क्योंकि आप टाइम कम है, एग्जाम सबको एक ही डेट पर देना है। तो अगर एक ही डेट पे एग्जाम देना है तो इसका मतलब है कि सिलेबस सभी का एक ही टाइम पे खत्म होगा, तो फाइनल टेस्ट सीरीज में एक साथ एसोसिएट होंगे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर कंप्रोमाइज़ होता है तो कंप्रोमाइज़ में एक ही चीज़ होती है कि नंबर ऑफ क्लासेस टॉपिक्स की कम होती है, को पढ़ाने में कम नहीं होता। तो ऐसे में मैं आपको बोलूँगा कि 5 अगस्त तो मैंने आपको डेट दी है, क्योंकि जब बाहर से आप आते हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। पर आप इन टॉपिक्स को अपने लेवल पे पढ़ना चालू कर दें। अगर आपने, क्योंकि देखिए इस समय अगर हम देखें तो NIT त्रिची हुआ, चाहे कैलीकट हुआ, चाहे इलाहाबाद हुआ, चाहे सूरत कल हुआ, यहाँ पर 30-40 लैक्स तक के हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज हैं। इतने अच्छे पैकेज हैं, लेस कंपटीशन है। JEE मेंस के थ्रू अगर हम NIT में ना जा पाए तो ये दूसरा एक बहुत अच्छा रास्ता जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो क्यों ना इस रास्ते को एक्सप्लोर किया जाए। तो एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने क्वेश्चन डाउट बिल्कुल भेजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, 9 से 10 मंथ सफिशियंट टाइम होता है, 6 मंथ भी सफिशियंट होता है अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करो। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर वाला जब बच्चा 3 आवर प्रिपरेशन करता है, सेकेंड ईयर वाला बच्चा 4-5 आवर करता है, तो थर्ड ईयर वाले या फाइनल या ड्रॉप वाले बच्चों को ऑब्वियसली 8-10 आवर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर रखिए कि जितना पहले पढ़ेंगे उतना फ़ायदा है। अगर लेट हुए हैं तो उसका कंपनसेशन एक ही तरीके से हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा आप स्पेंड करें, जिससे कि एक अच्छे रिजल्ट या अच्छे आप रिजल्ट को दे सकें।
और याद रखिए रिजल्ट ही नहीं, आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ाई करनी है। एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक ही चीज़ याद रखिए, अपने ऊपर बिलीव कभी भी नहीं खोना चाहिए। और अगर इस बार आपकी रैंक अच्छी नहीं आई तो उसके कारण को असेस करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि या तो आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, या प्रैक्टिस कम हुई है, या कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों में लैग कर गए, या हमने गैसिंग ज़्यादा कर दी। वो जो मिस्टेक पहले की वो इस साल ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कई बार जब हम ड्रॉप लेते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जब इस साल तुमने मेहनत की थी नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कैसे श्योर हो। तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो इस साल मिस्टेक की थी अगर वो नेक्स्ट ईयर नहीं करोगे तो श्योर है। अगर आप वही मिस्टेक फिर से करेंगे तो कैसे पॉसिबल है। तो आप अपने माइंड से सारी बातें निकाल दें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।